देश के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। शहीद भगत सिंह की शहादत का दिन है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से पूर्व निगम पार्षद मनोज महलावत उस दिन को मना रहे हैं। जी हाँ, शहादत, क्योंकि देश के हीरो ने आज अपनी कुर्बानी दी थी देश के आज़ादी में, और उसी आज़ादी में देखिए किस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि जिस मूर्ति की साफ सफाई कर रहे हैं, ये मूर्ति है सरदार शहीद भगत सिंह की, और इस मूर्ति को लगाने वाले भी खुद एक योद्धा है, क्योंकि ये योद्धा है राजनीति योद्धा। जी हाँ, पूर्व निगम पार्षद मनोज महलावत इसी वार्ड बसंत कुंज के वार्ड के निगम पार्षद रह चुके हैं, और इनके द्वारा इस पार्क का शहीद हर्बल पार्क का नाम दिया गया था, और ये मूर्ति यहाँ पर स्थापना करी गई थी। उसके बाद देखिए किस तरीके से उनकी मूर्ति को पहले स्नान कराया गया गंगा जल से, और उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर जो है उनको माल्य अर्पण किए जा रहे हैं, और क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी अपने शहीद हीरो उनके याद में यहाँ पर पहुँचे। किस तरीके से देखिए सभी लोगों ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पण किए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वसंत कुंज की, जहाँ पर देखिए वसंत कुंज के मसूदपुर स्थित इस पार्क में सभी लोग पहुँचे हैं, और बारी बारी से किस तरीके से जो माल्य अर्पण है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देश के जो असली हीरो हैं वो ये हैं, और इसीलिए इनको आज भी देश याद कर रहा है। और इस वजह से देखिए कि यहाँ पर दूर दराज से और वसंत कुंज वार्ड के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे, और बारी बारी से सभी ने यहाँ पर उनको माल्य अर्पण किया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मसूदपुर का ये जो पार्क है, ये पार्क जो है बनवाया गया था, इसको डेवलपमेंट कराया गया है पूर्व निगम पार्षद मनोज महलावत के द्वारा किया गया, क्योंकि यहाँ पर गंदगी का अंबार था, लेकिन आज ये हर्बल पार्क के नाम से जाना जा रहा है, लेकिन कुछ देख रेख जो है नहीं हो पाई। उसके बाद इन्होंने बताया मनोज महलावत ने कि किस तरीके से आज की डेट में युवा पीढ़ी को बढ़ चढ़ कर यहाँ पर आगे आना चाहिए, और जो हमारे देश के असली हीरो हैं उनको यहाँ पर जिस तरीके से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको लगातार ये याद रखना चाहिए कि हमारे देश की असली आज़ादी में जो भूमिका निभाने वाले लोग थे वो ये थे। आरसो न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताज़ा तीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonews.com पर विजिट करें। देश के हीरो को आप लोग याद करते हैं मनोज जी? देखिए, देश के हीरो को तो भगवान की तरह याद हम करते आए और करते रहेंगे, क्योंकि भगवान तो शायद ही हम इसे पृथ्वीवासियों ने किसी ने देखा हो, लेकिन ये साक्षात हीरो किसी भगवान से कम नहीं है। इनकी वजह से आज हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, इन्हीं के दिए दिन हैं जो आज एक भारत एक उस शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। जिस तरीके से देखा जाए, जिस जगह आप खड़े हैं, इस पार्क का भी नाम आपके द्वारा ही दिया गया और आपके कार्यकाल में डेवलप हुआ था, क्या कहेंगे क्षेत्र के लोगों के लिए? देखिए, सौभाग्यशाली है मैं भी और मेरे क्षेत्रवासी भी, और साथ साथ जो हमारे सम्मानित मसूदपुर डेयरीवासी हैं, वसंतपुरी वार्डवासी, सभी सौभाग्यशाली हैं कि अपने क्षेत्र में कितनी बड़ी हस्ती की हम एक प्रतिमा स्थापित कर पाए। तो कहीं कभी सोचा नहीं था, लेकिन सब बड़ों का आशीर्वाद और नौजवान साथियों का सहयोग रहा कि इस ऐसी जगह को जिसको लोग देखना पसंद नहीं करते, आज इसमें कोई भी बड़ा त्यौहार हो, कोई भी बड़ा दिन हो, या कोई हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा वर्ष त्यौहार हो, तो उस पर आकर सब एकत्रित होते हैं, माला अर्पण करते हैं, और साथ ही साथ बच्चे खेलते हैं, माताएँ बड़ी बुजुर्ग सभी घूमते हैं। तो शहीद हर्बल भगत सिंह पार्क के नाम पर हमने कार्यकाल में अपने में स्थापित किया था, कहीं ना कहीं बगैर हमारे क्षेत्रवासियों के सहयोग के संभव नहीं था। तो एक बार पुनः मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों का आभार करूंगा, अपने नौजवान साथियों का आभार करूंगा जिन्होंने इसके लिए मुझे हमेशा साथ दिया, सहयोग दिया। तो मानते हैं कि आज की युवा पीढ़ी को भी शहीद भगत सिंह से प्रेरणा लेनी चाहिए, और जिस तरीके से आपने इस मूर्ति की स्थापना कराई थी, किस लिए कराई थी कि जो आज की यंग जनरेशन है उनको जानकारी मिलनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल, युवा पीढ़ी तो हम अपने इस हीरो को कभी भूल ही नहीं सकती, क्योंकि एक जो ये महान हस्ती थे हमारे शहीद आजम भगत सिंह, ये बहुत ही कम उम्र में, युवावस्था में अपने परिवार को घर को छोड़कर इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी हंसते हंसते। तो इनका योगदान तो अग्रिम श्रेणी में हमेशा भारत देश के इतिहास में रहेगा ही। साथ ही साथ मैं अपने तमाम साथियों से भी कहूँगा कि यहाँ जो बच्चे खेलते हैं, जब भी फुर्सत मिले, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, इनके बारे में 5 मिनट की बात भी अगर बच्चों के बीच में रखेंगे तो वो बच्चे भी देखभाल करेंगे, इधर उधर शरारतें ना करके वो अपने देखभाल करेंगे, और इस महान हस्ती के बारे में उनको जानकारी मिलेगी। कहीं ना कहीं कोई बच्चा ऐसा है कोई स्कूल नहीं जाता, या किसी कारणवश उसको इस महान हस्ती के बारे में नहीं पता, तो उसकी जानकारी जितना हम देंगे अपने आने वाली जनरेशन को उतना अच्छा रहेगा। आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है, और हमारे भगत सिंह जी आज जो शहादत दी थी इन्होंने, और मनोज जी तो बार बार आके अब इन्होंने ये लगवाया था यहाँ पे, और हमेशा ये सफाई कराते हैं, उनका ख्याल बहुत ज़्यादा रखते हैं, और आज का दिन तो भारत में कोई भूल ही नहीं सकता। ठीक,
हाँ जी, आज आप लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे प्रतिमा लगाई गई, और आज का दिन कितना आप लोगों के लिए गर्वशाली होता है कि शहादत दी थी आज भगत सिंह जी ने? देखिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है दिवस आज के दिन पे। हमारे पूर्ण निगम पास मनोज जी है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है इस पार्क में मूर्ति लगाने के लिए, उनको तहे से धन्यवाद देते हैं। कितना प्रेरणा मिलती है आप लोगों को यहाँ पर देखा जाए तो? देखिए, बहुत प्रेरणा मिलती है इनसे हमें तो, क्योंकि अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत प्रेरणा मिलती है।